काफी गर्मी है, काफी गर्मी है, क्या ही बताओ। We've only done 357 steps. ये वीडियो में बोलने वाली बात है, अंदर से पता है इसको भी फटी पड़ी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक हो। तो आज है 24th of June और आज हम चल रहे हैं अम्बाबूची मेला पे। तो ये मेला एक्चुअली 2 साल बाद हो रही है सही ढंग से एक्चुअली। तो मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ इस मेला पे, मेरे साथ चलेंगे और 3 दोस्त। मैं जाके उनको पिकअप कर लेता हूँ, फिर मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आप लोगों से। लेट्स गो। 700 स्टेप और है आगे जाने के लिए। सब ठीक है, एकदम परफेक्ट। हालत खस्ता करके रखा है अपन लोगों का, अभी और 700 सीढ़ी चढ़ना है आगे। हाय गर्मी, भयंकर गर्मी है, ऊपर से एक वाटी की ह्यूमिडिटी खा रही है। तो स्टेप भी नहीं चले जाएंगे, इतना स्टेप चले मोस्ट प्रोबब्ली 150 स्टेप्स। और कितना है? 702 ओनली। यू माइट एज़ वेल डाई ऑन द वे, वी ओनली डन 357 स्टेप्स ओनली। अभी हम लोग है ना ये रोड ले लिया है, क्योंकि जो स्टेयर्स है ना फट रही है अपनी और ये स्टेयर्स एक तरह का स्कैम लग रहा था, तो हम लोगों ने ये मेन रोड ले लिया है। यहाँ पे जो चढ़ाई है ये स्मूथ है, ग्रेजुअल है, इंस्टेड ऑफ द स्टेप्स जहाँ पे आपको 700 स्टेप्स तकरीबन चढ़ना था। तो ये सुन के हम लोग बौखला गए थे एक्चुअली। हमारे जनाब को हाई बोल दीजिए, हेलीकॉप्टर चाहिए इनको। एक बार ऑलरेडी ले रेस्ट ले चुके हैं, नेक्स्ट कब रेस्ट ले रहे हैं लोग। थोड़ा सा ऊपर चल के ना एक ORS पियेंगे चलो हम लोग। और काश आसाम सरकार कोई एक लाउंज बना देती हम लोग के लिए और फिर रेस्ट कर लेते हैं। मामा को बोलना था। तो कभी कभी लगता है ना ये लड़कियों की बातें कभी सुन लिया करना चाहिए, है ना। देखो काम की बातें करती है। ऑन कैमरा मे बी द फर्स्ट मेल ऑन अर्थ हु इज एक्सेप्टिंग दैट वुमेन आर ऑलवेज राइट। मुझे कहने में कोई शर्म की बात नहीं है कि मेरी फटी पड़ी है। गर्मी कैसा है देख लो। कमल स्टेप देख के बता कितना हुआ। कमल कितना स्टेप हुआ बता। दिखता नहीं आया, दिखता नहीं है, दिखता है एनालॉग वॉच में ही स्टेप दिखता है। अलग ही नशे करते हैं आईओ ने कुछ देर के लिए रेस्ट किया था। कैसा लगा यार रेस्ट करके? जल गई कहा जल गया यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत गर्म था। आप वॉक करके अगर कहीं पे रेस्ट लेते हो और यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि आप रेस्ट के नाम पे ऊपर से आपका पसीना ही निकलता है। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, सबक क्या मिला है बोलो। चलते जाओ चलते जाओ। यहाँ पे भीड़ काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि अभी हम मंदिर के ऑलमोस्ट करीब है। ये चढ़ाई इतना भी भयंकर नहीं थी जितना मैंने सोचा था। अबे हम लोग ने गलती कर दिया वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ कर। भाई साहब देखिए नहीं चढ़ते ना और इतना ज़्यादा जा सकते हैं बट ऊपर नहीं, अपने को सीढ़ी लेना नहीं है भाई। यही रोड काफ़ी अच्छा है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लेन बनाई दी गई है, सबको यहाँ पे अपने अपने लाइन से जाने को बोल दिया गया है। तो अभी हम मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं लाइन पे। भाई काफ़ी गर्मी है, काफ़ी गर्मी है, क्या ही बताओ। मेरा रुमाल ही भीग गया है पसीना पोस्टर पोस्टर। अभी हम एग्जिट की ओर जा रहे हैं क्योंकि एक्चुअली एंट्री में सैंडल्स और जूते रखने में मना है। तो जूते रखने अलग से जा रहे हैं, इसलिए हम एग्जिट की ओर जाके अपना जूते और सैंडल रख के फिर एंट्री की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या लग रहा है? फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। मच बेटर यार। आई थिंक इट वाज कंप्लीटली वर्थ इट, वर्थ ऑल द एनर्जी एंड एफर्ट। Thank you.
में बोलने वाली बात है, अंदर से पता है इसको भी फटी पड़ी है, सबकी फटी पड़ी है, वीडियो का वीडियो में व्यूज मिलने के लिए ऐसा थोड़ा पढ़ाई चढ़ाई के बनना चाहिए। अभी हम लोग ऑलमोस्ट उधर ही गए हैं, मेन रोड पहुँचने वाले कुछ उधर में, फिर से हमने दोबारा ये वही गलती किया है, स्टेट लेने का अभी भुगत रहे हैं। मुझे तो पहले ही नहीं जाना था, मानते नहीं हो इसीलिए तो लड़कियों की बातें माना करो।